अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। और जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी उसका लेक्चर नंबर 2। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, अल्केन की सीरीज, अल्कीन की सीरीज और अल्काइन की सीरीज। और इसमें देखेंगे इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला देखेंगे और किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अल्केन की सीरीज में हम लोग ज़रा देखते हैं कि मीथेन इनका सबसे पहला मेंबर आता है, कि जिसके अंदर हम लोगों की कार्बन की तादाद होती है एक, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अगर हम बात करें मिथेन की, तो एन जो है वो कोई भी इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर नंबर का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मिथेन की बात करें तो इसमें एक कार्बन आता है, एक कार्बन, ठीक है, और इसके साथ क्या आया, एच के साथ टू लिखा हुआ है, टू के बाद एन। एन का मतलब क्या हुआ कि एक, टू वन जा टू, और प्लस का टू मतलब फोर। मिथेन का फार्मूला हो गया CH4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं मिथेन की और इस तरफ देखते हैं हम लोग अल्कीन के अंदर, तो अल्कीन के अंदर मिथीन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई मिथीन? मिथीन इस वजह से नहीं होता क्योंकि दो कार्बन के दरमियान ही डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। ये होते हैं हमारे पास सिंगल बॉन्डेड अल्केन, और जबकि ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन के दरमियान अल्कीन कहा जाता है इनको। और जो जिनके दरमियान कार्बन तीन बॉन्ड लगाए जाते हैं उनको हम अल्काइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मीथेन का अल्केन का जनरल फार्मूला लिखा है, तो इसी तरीके से हम लोग इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए ही तमाम डिकेन तक के होमोलोगस सीरीज कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इथेन लिखा है, तो इथेन का जनरल फार्मूले में हमारे पास जनरल फार्मूले के हिसाब से सी एन, एन की जगह आ जाएगा टू, जबकि एच की जगह आ जाएगा, एच के बाद आ जाएगा हमारे पास टू, टू जा फोर प्लस टू सिक्स। ये फार्मूला हो गया किसका, इथेन का। अब हम बात करते हैं प्रोपेन की। प्रोपेन में तीन कार्बन होते हैं, ठीक है, तीन कार्बन आ गए, यहाँ पर एच लगा दिया। अब टू 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 थ्री दस सिक्स, सिक्स प्लस टू एट। इसी तरीके से हम लोग कार्बन फोर की बात करें क्योंकि ब्यूटेन की बारी आई है। अब यहां पर देखा जाएगा टू फोर जा एट, एट प्लस टू टेन। इस तरीके से फाइव पेन टेन की बारी आ गई, टू फाइव जा टेन प्लस टू ट्वेल्व। हेक्सेन की बारी आई, टू सिक्स जा ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन। हेप्टेन की बारी आई, टू सेवन जा फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन। ऑक्टेन की बारी आई, टू एट जा सिक्सटीन प्लस टू ट्वेंटी एटीन। नोनेन की बारी आई, टू नाइन जा एटीन प्लस टू ट्वेंटी। और डिकेन की बारी आई तो वो हमारे पास होता है 22 हाइड्रोजन और 10 कार्बन, ठीक है। ये होमोलोगस सीरीज किसकी हो गई, अल्केन की हो गई, जो हम लोगों ने मीथेन से शुरू कर पूरी डिकेन पर एन की, ठीक है। इसके आगे भी हैं लेकिन हम 12th स्टैंडर्ड तक का पढ़ रहे हैं, तो 12th स्टैंडर्ड में ज़्यादातर यहीं तक ही बात की जाती है, सही है। अब ये ने यहाँ पर बता दिया कि जब डबल बॉन्ड होगा कार्बन के दरमियान तो वो हमारे पास ईन लगेगा, सही है। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, जब डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगेगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा, मतलब YNE, सही है। तो अब जब डबल बॉन्ड आएगा तो कम से कम वो दो कार्बन के दरमियान ही आ सकता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर मिथीन नहीं लेते क्योंकि दो कार्बन होते ही नहीं है, सही है, एक ही कार्बन होता है। और इथीन से यहां पर सीरीज शुरू होती है। जनरल फार्मूला देख लेते हैं, सी एन एच टू और एन। यहां का जनरल फार्मूला क्या था, सी एन एच टू एन प्लस का टू, जबकि यहां पर है सी एन एच टू एन, ठीक है।
अच्छा अब हम एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। तो सी एन एच टू एन का मतलब क्या है, सी टू एच टू मतलब क्या हुआ, फोर एच फोर, सी थ्री एच सिक्स, सी फोर एच एट, सी फाइव एच टेन, सी सिक्स एच ट्वेल्व, सी सेवन एच फोर्टीन, सी एट एच सिक्सटीन, सी नाइन एट एच एटीन और सी टेन एच ट्वेंटी। ठीक है अब बात करी जाए अल्काइन की। अब अल्काइन क्या होता है, अल्काइन के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब वो ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, सी एन एच टू एन माइनस का टू। ठीक है सी एन एच टू एन माइनस का टू। अब यहां पे देखें तो हमारे पास कार्बन की तादाद है कितनी, दो, क्योंकि क्योंकि इथीन में का इथीन का मतलब क्या है कि दो ही आने चाहिए। इथाइन में भी दो आएंगे, इथीन में भी दो ही थे और इथेन में भी दो थे, तो इस वजह से दो ही कार्बन आएंगे। ठीक है और टू टू जा फोर, फोर में से टू माइनस करें कितने बचे, टू सी टू एच टू, थ्री तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स में से टू माइनस करें कितने हो गए, फोर, चार कार्बन हुए। टू फोर जा एट, एट में से दो माइनस करें सिक्स, पांच कार्बन हुए। टू फाइव जा टेन, टेन में से टू माइनस करें कितने बचे, आठ, छह कार्बन हुए। टू सिक्स जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से टू माइनस करें टेन, सात कार्बन हुए। टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन में से टू माइनस करें ट्वेल्व, आठ कार्बन हुए। टू एट सिक्सटीन, सिक्सटीन में से दो माइनस करें फोर्टीन, नो कार्बन हुए, तो हमारे पास सिक्सटीन और दस कार्बन के साथ हमारे पास एटीन हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है यहां तक बात हुई हमारे पास होमोलोगस सीरीज और इनके जनरल फार्मूले, और जनरल फार्मूले के अंदर जो है वो हम लोगों ने फॉर्मूले पुट करके, उसके इंटीजर नंबर पुट करके हम लोगों ने पूरे के पूरे होमोलोगस सीरीज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के हम लोगों ने डिस्कस किए। अब जो है आगे मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है।